अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफ़िज़ा लिसा यकूब। टुडे वेबिनार टॉपिक इज़ CBT, यानी कि कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है और ये किस तरह अप्लाई की जाती है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वह सर दानियाल अहमद, जो कि MPhil साइकोलॉजिस्ट हैं। सर काइंडली आप कंटिन्यू कर दें। चलो जी, थैंक यू सो मच हाफ़िज़ा अली ज़ादा, आपने इंट्रोडक्शन करवाया। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि माय नेम इज़ दानियाल अहमद जमाल एंड आई एम MPhil इन साइकोलॉजी, और साथ में अभी करंटली आई एम वर्किंग विद WHO एज अ रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एंड आई हैव आल्सो वर्क इन क्लिनिकल साइड। तो उसके एक्सपीरियंस की बेस पे जितना CBT की इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। मेन चीज, अच्छा दो तीन चीजें बता दूं। पहली चीज तो ये कि CBT कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक घंटे या दो घंटे के सेशन में कम्प्लीटली सीख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है CBT के नॉर्मल जो कोर्स हो रहे हैं वो 3 to 6 months के हो रहे हैं। तो इस एक घंटे में अलबत्ता हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि हमें थोड़ी सी नो हाउ हो जाए CBT की, थोड़ा सा CBT की इंफॉर्मेशन मिल जाए और CBT की बेसिक टेक्निक्स पता चल जाए, CBT के बेसिक स्टेप्स कौन से होते हैं वो पता चल जाए, सो डैट कि हम एटलीस्ट CBT के बारे में कुछ 10-30% में इंफॉर्मेशन हो और फर्दर हम उसको जब लर्न करना चाहें तो हमें इजी। सेकंड मेन चीज ये कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ी सी एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। ये उस तरह का सेशन हरगिज नहीं होने वाला कि जिसमें एक स्पीकर यहाँ से बोले जा रहा है एक घंटा आपको उसको बर्दाश्त करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को जब लगता है कि आपने कुछ ऐड ऑन करना है या कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, इवन अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आई रियली एक्सपेक्ट कि आप लोग बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट 15-20 मिनट्स में वो क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे पहले आप ये बता दें कि साइकोलॉजी 4th semester या उससे नीचे, मतलब 3rd, 2nd और 1st वाले कौन कौन है यहाँ पे, अगर कोई है तो अपना हैंड रेज कर दें या बेशक माइक ऑन करके बता दें। ओके, तो अच्छा मैं साइकोलॉजी लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि क्योंकि MSc के भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ 4th semester के बाद के भी होंगे, 7th-8th semester के, और कुछ जूनियर्स भी होंगे, हो सकता है कोई MPhil लेवल के भी हों, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा रखते हैं कि जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और थोड़ा सा इजी वे में बताया जाए। चलें जी, फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज कि यहाँ पे ज्यादा फोकस मैं CBT की उन्हीं टेक्निक्स पे करूंगा जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अप्लाई की है इन हॉस्पिटल सेटिंग, क्लिनिकल सेटिंग, क्योंकि जितनी वो मैंने प्रैक्टिकल अप्लाई की है उनकी मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि उनका कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और वो कैसे एग्जैक्टली अप्लाई होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें CBT की, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, तो ये जो अगर आप इसकी टर्म को ही देखें तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपीज एंड बिहेवियर थेरेपी। तो जब हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं, दो थेरेपीज को कंबाइन करते हैं, तो तब हम उसे क्या कहते हैं? कोई है जिसको थोड़ा आइडिया हो कि जब हम दो थेरेपीज को या दो टेक्निक्स को हम कंबाइन करके अपना एक इफेक्टिव प्रोग्राम बनाते हैं इसका थेरेपी का, तो उस थेरेपी को हम क्या कहते हैं? चलें, शायद आप लोगों को अभी वो माइंड में ना आ रहा हो, हम डायलेक्टिक थेरेपी कहते हैं जब हम दो डिफरेंट थेरेपीज को जोड़ के एक थेरेपी बनाते हैं। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different थेरेपीज, वन इज कॉग्निटिव थेरेपी, अदर इज बिहेवियर थेरेपी। तो थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है और बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है, जिसका बहुत बड़ा नाम जिसने कॉग्निटिव थेरेपी को बनाया और इवन के कॉग्निशन स्कूल ऑफ कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट पे बहुत बड़ा काम है उनका, और उसके बाद जो हमारी CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके भी डेवलपर में उनका नाम आता है
ही वाज एरोन बेक. आप लोगों ने अक्सर अक्सर ने उनका नाम सुना होगा, एरोन बेक. और इनकी दो तीन बड़ी फेमस, एक BAI और BDI टेस्ट, इनके बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री और बैक एंजाइटी इन्वेंट्री. अभी 2 years पहले इनकी डेथ हुई है, 2-3 years पहले. अच्छा, एरोन बेक क्या कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी का, कि वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जितने मसाइल भी आ रहे हैं ना, वो सब उसकी मेन वजह ये है कि आपकी कॉग्निशंस जो है, आपके ख्यालात जो है, आपके थिंकिंग पैटर्न जो है वो खराब है. मतलब आपके दिमाग में एक गलत सोच आ गई और गलत सोच स्टक कर गई आपके दिमाग में, और अब वो आपको फोर्स कर रही है टू डू सम इररिस्पॉन्सिबल और सम फॉल्टी बिहेवियर्स. तो एरन बक का फोकस किस चीज पे था कि आपके माइंड में आ जाती हैं फॉल्टी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, गलत ख्यालात जो माइंड में स्टक कर जाते हैं, माइंड में फंस जाते हैं, और वो फिर आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इस शख्स को डिसऑर्डर हो गया या ये शख्स साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है. बट जो बिहेवियर थेरेपी है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट करती है. वो कहती है कि आपके माइंड में जितने वर्जी थॉट्स आ जाएं, ख्यालात आ जाएं, वो उतना ज्यादा आपको इम्पेक्ट नहीं करते जितना आपके नेगेटिव बिहेवियर्स आपको इम्पेक्ट कर रहे होते हैं. जब आप गलत तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तब जाके आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं. सिर्फ सोचों का दिमाग में रहना इज नॉट द इशू. तो वो कहते हैं, बिहेवियर थेरेपी वाले कहते हैं कि अगर आप बिहेवियर्स को ठीक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. बट जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ना, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी. तो इसीलिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इस टाइम बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है और बहुत इफेक्टिव भी है. ये मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स के लिए इंतहाई बेहतरीन थेरेपी है, और जितना मैंने इसको फील किया है कि हमेशा इसके मतलब 80-90% चांसेस होते हैं कि इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं. अच्छा, सबसे पहले फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन आ जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन पे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स पे कि कौन कौन से एलिमेंट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होने चाहिए. फिर हम बात करेंगे स्टेप्स पे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के क्या स्टेप होते हैं, पहले कौन सा स्टेप करते हैं, फिर कौन सा स्टेप, फिर कौन सा, और लास्ट पे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कुछ मेन मेन टेक्निक्स को भी टच कर लेंगे. तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है, बट अच्छा, किसी ने कहा है कि स्लाइड्स शेयर करेंगे, ये मैं कभी भी स्लाइड्स के थ्रू नहीं पढ़ाता, और आप लोग कोशिश करें कि फोकस अगर आवाज पे ही रखें, बल्कि हाँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड ने कि वीडियो कैमरा ऑन कर दिया जाए तो वो हो सकता है, बट स्लाइड्स में कभी भी नहीं बनाता, तो सॉरी फॉर डैट. अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की डेफिनेशन की. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो अगर डेफिनेशन मुझसे पूछे आप, तो वो सिंपल लफ्ज में होगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फॉल्टी एंड डिस्टर्बिंग थॉट एंड देन चेंज देम. एक तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का क्या फंक्शन हो गया कि ये आपकी फॉल्टी और डिस्टर्बिंग जो ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले उनको तलाश करते हैं, निकालते हैं, सरफेस पे लाते हैं, और उसके बाद उनको चेंज करते हैं. एंड सेकंड, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या चीज है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आल्सो फोकस ऑन योर बिहेवियर्स एंड चेंज द नेगेटिव वन. तो मतलब ये समझ आए कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपके थॉट्स और आपके बिहेवियर्स, जो फॉल्टी गलत बिहेवियर्स हैं, उनको सरफेस पे लाता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उनको चेंज करता है. क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी. अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा आसान लफ्जों में आपको बताऊं. होता यह है कि आप बचपन में ना, आपके कहा जाता है कि 7 years तक, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, बट के फ्राइड का यहाँ तक मानना था कि बच्चे का नाम भी जो है वो 7 साल की उम्र के बाद रखना चाहिए, बिकॉज 7 साल तक आपकी मैक्सिमम पर्सनैलिटी जो है वो डिवेलप हो जाती है. अब होता यह है कि बचपन में आप ये खुद से ख्याल करें, सोचें कि कोई एक चीज आपके साथ, या तो उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ या नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, तो वो चीज आपके माइंड में स्टक कर जाती है.
जैसे फोबियाज होते हैं कुछ लोगों को, बहुत कॉमन कॉमन, किसी को हाइड्रोफोबिया है हालांकि वो कहता है कि बाकी सब मामलात में ही ओके, बट हाइड्रोफोबिया है या हीमोफोबिया या फोबियाज के हजारों टाइप्स हैं। साइनोफोबिया है, कुत्ते का डर जो होता है। अब होता क्या है कि बचपन में हो सकता है कि उसको उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में उसका अच्छा ना रहा हो सकता है कि वो जब छोटा था तो किसी कुत्ते से उसको डर लग गया हो या किसी चीज से उसको खौफ आ गया और वो उसके दिमाग में बैठ गया है, और अब वो फिजिकली और मेंटली बड़ा जरूर हो चुका है, बट समवेयर इन दैट माइंड अभी तक वो खौफ जो है वो अपना पैटर्न बना चुका है, वो खौफ अपनी छाप छोड़ चुका है, वो खौफ अपना जिसे कहते हैं घोंसला बना लेना। और इसी बारे में एक चाइनीज बड़ी फेमस कोट मुझे याद आ गया कि आप अपने जहन के ऊपर उड़ने वाले गलत ख्यालात को रोक नहीं सकते, आप अपने जहन के ऊपर उड़ने वाले गलत ख्यालात को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें अपने जहन में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। तो घोंसला बनाने से क्या मुराद है कि हर किसी को कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओवर ओके, बट जब वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में स्टक कर जाती है तब वो मसले मसाइल पैदा करती है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के स्टेप्स की। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका समझ आ गया होगा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तीन बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप इसका आता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है या नेगेटिव बिहेवियर है उसको। सेकंड चीज ये करते हैं कि आप उसको मॉडल करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। और थर्ड ये है कि आप मेक श्योर करते हैं कि वो बिहेवियर जो है अब वो दोबारा कभी अकर ना हो। तो तीन मेन स्टेप्स हैं और बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अब अगर बात की जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होनी चाहिए, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में तीन बेसिक चीजें होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लाइंट एक्टिवली आपको अपनी सारी बात बता रहा है, सारी बात सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक थेरेपिस्ट बोले जा रहे हो, क्लाइंट आगे सर हिला हिला के कह रहा है ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या पता चला कि पहली चीज ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए क्लाइंट की। सेकेंड मेन चीज ये है कि मोटिवेशन होनी चाहिए क्लाइंट में टूवर्ड्स बेटरमेंट, एंड जो थेरेपिस्ट है उसमें होनी चाहिए क्लाइंट को बेहतरी की तरफ ले जाने की। तो एक तो दोनों को एक्टिव होना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, एक जितना इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा है कोई कम। सेकंड ये है कि वो मोटिवेशन हो दोनों में टू अचीव द गोल ऑफ रेलिवेंट बिहेवियर या फॉल्टी थॉट को खत्म करने का। और थर्ड चीज जो है कि दोनों की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन क्लियर से मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टेप में उसको थेरेपी की उस पर थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में आप उसे कह रहे हैं हाँ जी बताएं आप आपके जहन में गलत ख्यालात क्या थे। तो ऐसे नहीं होता, स्टेप वाइज चलना पड़ता है, 0 to 100 जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 40 से फिर वापस आप 30 पे आ रहे हो, 30 से 70 पे, तो आप स्टेप वाइज चलते हो। तो तीन मेन एलिमेंट्स इसमें आ गए, एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ क्लाइंट एंड पार्टिसिपेंट, और सेकंड चीज मोटिवेशन, और तीसरी चीज है डायरेक्शन। अच्छा जी, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा, प्लीज कोई बता दे सवाए अलीजे के, अगर लग रहा है ज्यादा बोरिंग है तो हम इसको थोड़ा सा और जो है वो चलें। डॉक्टर हबीबा थैंक यू डॉक्टर साहब ने कह दिया तो इसका मतलब है कि बोरिंग नहीं है। अच्छा, अब इसमें मेन चीज, अब अपने माइंड में आप एक स्ट्रक्चर बनाए, अपने माइंड में आप एक स्ट्रक्चर बनाए, एक ट्राइंगल बनाए। ट्राइंगल के सबसे टॉप पे होगा थॉट, ठीक है, और वो थॉट ट्रेवल करके ट्राइंगल के राइट नीचे आ रही है और वो क्या बना रही है वहां पे फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स जो है वो ट्राइंगल के दूसरे कोने पे प्रोड्यूस कर रहे हैं बिहेवियर्स, और उस बिहेवियर से एरो वापस जा रहा है थॉट की तरफ। तो क्या हमें समझ आई कि बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में तीन मेन चीजें होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में तीन मेन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हो गई आपकी थॉट, और दूसरी चीज हो गई उस थॉट से, उस ख्याल से प्रोड्यूस होने वाली आप में फीलिंग्स, और तीसरी चीज हो गई उन फीलिंग्स से प्रोड्यूस होने वाला आपका बिहेवियर। जैसे कुत्ते की एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि अगर एक शख्स को कुत्ते से डर लगता है, एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है, फिर हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात भी कर लेंगे।
जैसे एक शख्स को कुत्ते से डर लगता है तो सबसे पहले उसके जहन में कुत्ते को देख के क्या आएगा, एक फॉल्टी थॉट आएगी, कुत्ता मुझे खा लेगा, कुत्ता मुझे खा लेगा। और जब वो फॉल्टी थॉट उसके माइंड में आएगी तो उसके बाद फौरी तौर पे उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ फियर प्रोड्यूस होंगे। पहला स्टेप थॉट था, दूसरा स्टेप जो है वो फीलिंग्स ऑफ फियर का प्रोड्यूस होना है। थर्ड क्या होगा, बिहेवियर। बिहेवियर क्या होगा कि जब उसके जहन में ख्याल आ गया कुत्ता मुझे खा लेगा, अब उसमें डर की फीलिंग्स आ रही है, तो बिहेवियर वो ये करेगा कि वो उस पर्टिकुलर जगह से भाग जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह में अंदाजा हो गया कि आपकी थॉट्स प्रोड्यूस करती हैं फीलिंग्स और फीलिंग्स आगे जनरेट करती हैं आपके बिहेवियर्स को। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये कहती है कि इन तीनों चीजों में, या तो थॉट में, या तो फीलिंग्स में, या बिहेवियर में, आप किसी एक चीज में भी चेंज ले आओ तो आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। अगर वो शख्स कुत्ते से डर रहा था तो आप या तो उसके कुत्ते के बारे में जो नेगेटिव ख्याल आते हैं वो खत्म करो, अगर वो खत्म नहीं होते तो जो उसके अंदर डर की फीलिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको प्रोड्यूस होने से रोको, अगर वो नहीं रोकती तो वो जो बिहेवियर कर रहा है भागने वाला, अवॉइड करने वाला, आप उस बिहेवियर को रोको। किसी भी इन तीनों चीजों में आप किसी चीज में चेंज प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आप पेशेंट को सक्सेसफुली डील कर देते हैं थ्रू सीबीटी। लेकिन ये अब सब कैसे होगा ये हम आगे बात करेंगे फर्दर जाके टेक्निक्स ऑफ सीबीटी में। अच्छा, सीबीटी की टेक्निक्स हैं वो कुछ तो आप गूगल करेंगे तो आपको कॉमन कॉमन मिल जाएगी, बट ज्यादा फोकस मेरा होगा जो टेक्निक मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ ज्यादा। तो टेक्निक्स ऑफ सीबीटी में इसमें सबसे बेसिक जो आती है वो होती है वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिडिटी टेस्टिंग में आप सिंपल ये चेक करते हैं कि जो क्लाइंट है, आप क्लाइंट से पूछते हैं कि चलें आपका क्या खौफ है, या आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं जिससे आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी या बाकी मसले, पर्सनैलिटी इशूज के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर, सेक्शुअल डिसऑर्डर, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोबिया के लिए सीबीटी बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले आप क्लाइंट से वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। वैलिडिटी टेस्टिंग में आप बेसिकली ये चेक करते हैं कि क्लाइंट के जो ख्याल आते हैं, सबसे पहली चीज कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरी चीज वो कितने लॉजिकल हैं। अगर तो कोई शख्स किसी वजह से खौफजदा है, परेशान है, और वो चीज लॉजिकल भी है, वो चीज जस्टिफाइबल भी है, वो चीज वैलिड है, तो इसका मतलब है कि उसका खौफ बनता है। आपको ये समझ आ जाएगी उसका खौफ बनता है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी इरेशनल चीज से खौफ खा रहा है, एक 28-29 साल का लड़का है और वो एक कॉकरोच से डर रहा है, या 28-29 साल का लड़का और वो ये सोच रहा है कि क्या पता दुनिया तबाह हो जाएगी, या जैसे भी नेगेटिव थॉट आती है, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल फियर है। जब इरेशनल फियर होता है तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, हमने कॉग्निटिव बिहेवियर में सबसे पहले वैलिडिटी टेस्टिंग कर दी। इसके बाद दूसरी इसकी बहुत कॉमन टेक्निक एक है, जर्नल राइटिंग। जनरल राइटिंग में आप क्लाइंट को कहते हैं कि वो अपनी पूरी डेली रूटीन की जितनी भी उसकी थॉट और फीलिंग्स हैं, जो जो उसको आती हैं, जो जो उसको परेशान करती है, वो लिखता रहे और फिर नेक्स्ट डे आप उसका चेक करते हैं। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली कौन सी फीलिंग्स ऐसी हैं, कौन सी थॉट्स ऐसी हैं जो इस क्लाइंट को स्टक किए हुए, तंग किए हुए, और फिर उसके बाद आप उनको डील करते हैं थ्रू डिफरेंट वेज। उसके साथ इसमें एक मॉडलिंग की टेक्निक आ जाती है। मॉडलिंग की टेक्निक आप लोगों को भी अंदाजा है, इंतहाई सिंपल और बेसिक टेक्निक है। मॉडलिंग की टेक्निक में हम ऐसा करते हैं कि जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट बन जाता है और जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट बन जाता है। तो क्या हुआ कि जब क्लाइंट पहले अपने इश्यूज हमें बता रहा था और हमने सुन लिए सारे इश्यूज, अब हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि आप थेरेपिस्ट बने और मैं क्लाइंट बन के इश्यूज आपको बताऊंगा। जो मॉडलिंग होता है इसको हम रोल प्लेइंग भी कहते हैं अपनी साइकोलॉजी में। तो हम थेरेपिस्ट जो होता है वो क्लाइंट को कहता है कि आप थेरेपिस्ट बन जाए और मैं मॉडल बनता हूँ, मैं क्लाइंट बनता हूँ और मैं सारे मसले आपको बताऊंगा और आप मुझे सलूशन बताएं। तो इसका फायदा क्या होता है कि इसका फायदा सबसे अच्छा ये होता है कि जो क्लाइंट है बेसिकली उसको अपने मसाइल का, जब वो सोल्यूशन हमें बता रहा होता है तो उसको अपने मसाइल को हल करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको हेल्प होती है। और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर कुछ इसके ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो खुद से उनका सलूशन निकालने की कोशिश करता है बजाय कि वो इधर उधर हेल्प सीख करे। अच्छा, जो सबसे मेन इसमें जिस पे मेरा फोकस रहा है और जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है सीबीटी की टेक्निक, वो एक्सपोजर थेरेपी है। एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली एक बिहेवियरल टेक्निक है, पर हमने बात की थी कि सीबीटी जो है वो कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन है। तो एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, आपको इसके वर्ड से अंदाजा हो रहा होगा कि एक्सपोज से है। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज को किसी का सामना करवाना।
याद रखें कि साइकोलॉजी कभी भी किसी चीज को अवॉइड करके उसे का जो है वो सोल्यूशन वो एक्सेप्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, किसी चीज से खौफ आता है, किसी चीज का मसला है, किसी चीज से घबराहट होती है, कभी भी उसको अवॉइड करके अगर आप सोचते हैं कि मसला हल हो चुका है तो वो मसला हल नहीं हुआ। हमेशा साइकोलॉजी कहती है कि अपने डर का सामना करें। तो एक्सपोजर थेरेपी जो होती है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर थेरेपी में फर्दर टू थेरेपीज आती हैं। एक होती है फ्लडिंग, FLOODING, फ्लडिंग, एंड सेकेंड इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, फ्लडिंग एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दो छोटी टेक्निक्स हैं एक्सपोजर थेरेपी की, और एक्सपोजर थेरेपी इज बेसिकली अ बिहेवियरल थेरेपी। अब फ्लडिंग और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होते हैं कि एक्सपोजर जब हम किसी क्लाइंट, अभी हम चले उसी कुत्ते वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं कि किसी शख्स को खौफ आता है, बिकॉज हम शुरू से उस एग्जांपल को लेके जा रहे हैं। जैसे एक शख्स है 28-29 साल का और वो आता है और वो अपनी कंप्लेंट आता है कि मुझे इस तरह कुत्ते से डर लगता है, तो जो फ्लडिंग की टेक्निक है वो तो ये कहती है कि एकदम जिस चीज से उसे खौफ आता है उससे उसे एक्सपोज कर दिया जाए। फ्लडिंग की टेक्निक ये कहती है कि अगर कोई शख्स किसी चीज से अवॉइड करता है, किसी चीज से डरता है, तो आप एकदम उसे उसके सामने एक्सपोज कर दें। उसका फायदा क्या होता है कि उसके जेहन में जो पॉजिटिव थॉट्स पैटर्न बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स बनी होती हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स इन्हें कहते हैं, वो फॉल्टी थॉट्स चैलेंज हो जाती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिंग्स आर नॉट एज हार्ड एज डिफिकल्ट एज हॉरिफाइंग एज वी थिंक। हमारे 90% इश्यूज जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं, जिन्हें सोच के इंसान एंजाइटी में जाता है, 90% इश्यूज वो होते हैं कि जो फ्यूचर में अकर ही नहीं होते, जिन्हें फ्यूचर में अकर ही नहीं होना, और खुद से ही सोच के हमने उनको मसाइल बनाए। तो एक टेक्निक हो गई एक्सपोजर थेरेपी की फ्लडिंग, जिसमें हम एकदम एक्सपोज करवाते हैं। बट सेकेंड टेक्निक जो कि ज्यादा इफेक्टिव लगी है मुझे, दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक क्या कहती है? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक ये कहती है कि जब आप पेशेंट को किसी चीज से खौफ आता है, डर लगता है, उसको अवॉइड करते हैं, तो आप स्टेप वाइज उसको एक्सपोज करवाएं। अगर एक शख्स को कुत्ते से डर लगता है तो आप पहले उसे कुत्ते के मोबाइल में फोटो, आप उसको पहले मोबाइल में कुत्ते के फोटो दिखाएं। सेकेंड चीज, आप उसको मोबाइल में कुत्ते की वीडियोस दिखाएं। थर्ड चीज, आप उसको दूर से कुत्ता रखे, थोड़ा उसको साइड पर रखे, तो उससे जो है वो फिर आप कहेंगे यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ उसको देखता रहे। और फोर्थ स्टेप में आप कुत्ते के थोड़े करीब ले जाएं, फिर स्टेप करते 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 लास्ट में बिल्कुल उस कुत्ते को ओपनली छोड़ दें और उस शख्स को जो है उसके पास एक्सपोज कर दें। तो क्या हुआ कि आपने आहिस्ता 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 किसी के थॉट्स को, किसी के पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को आपने चैलेंज किया। एग्जाम्पल ही कुत्ते किया, लेकिन आप इसमें कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन रख सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो आप डायरेक्टली उसको, फ्लडिंग की टेक्निक कहती है कि डायरेक्ट स्कूल भेजो, बट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक ये कहती है कि पहले आप उसको स्कूल के इर्द गिर्द ले जाओ, स्कूल का आमने सामने ले जाओ, फिर शुरू में 1-2 घंटे स्कूल में छोड़ो। तो क्या हुआ कि आहिस्ता 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 आपके दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न था वो चेंज होता गया इंटू पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न। तो इसके सबसे इफेक्टिव टेक्निक्स हैं दो CBT की, और मैंने अब तक जितने क्लाइंट्स पे इवन अप्लाई किए, एक फीमेल क्लाइंट थी और वो जब जनाजे के बारे में सुनती थी कि कोई फोत हो गया या उनको किसी जनाजे में जाना पड़ जाता था, तो उनको जो है वो पैनिक अटैक्स हो जाते थे, और जिससे वो कहते थे खैशी के दौरे पड़ते थे। तो उनके साथ हमने टेक्निक की थी कि शुरू में उनको हमने स्क्रीन पे जो है वो सिर्फ जनाजे से रिलेटेड फोटोज दिखाए, फिर नेक्स्ट सेशन में जो है वो हमने उनको जनाजे के बारे में कुछ वीडियोज दिखाई, और फिर आस्था आस्ते साथ काउंसलिंग करते करते स्टेप वाइज। और इस दौरान अगर आपको लगे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में, अगर आपको लगे पेशेंट नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले नर्वस हो रहा है, परेशान हो रहा है, जो ग्रेजुअल स्टेप में परेशान हो रहा है, तो इस दौरान आप उसको डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज या जो एक PMRT एक्सरसाइज होती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सिंग टेक्निक, ये भी करवा सकते हैं। ये दोनों बेसिकली रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, तो ये क्लाइंट को थोड़ा सा रिलैक्स करती है मेंटली एंड फिजिकली टू मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट बिग स्टेप। अच्छा जी, इसके बाद इसमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टेक्निक आती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टेक्निक बेसिकली
आपने सबने पढ़ी होंगी रीइंफोर्समेंट्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की टेक्निक ये कहती है कि अगर क्लाइंट थेरेपिस्ट की बातें सुन रहा है और वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर रहा है तो हम उसको कोई ना कोई रिवार्ड देते हैं, कोई ना कोई रिवार्ड देते हैं। एंड रिवार्ड का कभी मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई पैसे देते हैं या फिर कोई आप गिफ्ट देते हैं, बल्कि रिवार्ड का मतलब यह है कि आप क्लाइंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि हमारा एक जल्दी, जैसे सीबीटी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये 12 सेशन से लेके 36 सेशन तक भी चली जाती है। और आपको पता है एक सेशन हमारा 45 मिनट का होता है तकरीबन, तो सीबीटी बाज़ुकात इतनी भी लंबी हो जाती है तो हम क्लाइंट को ये कर देते हैं, हम उसके सेशन काम कर देते हैं। So that ये भी एक उसका रिवार्ड है और वो ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। अच्छा, लास्ट में एक चीज है, वो है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग बेसिकली सोक्रेट से है, जिसे हम उर्दू में सुकरात कहते हैं, एक फिलोसफर थे, और उनकी बेसिकली टेक्निक हम सीबीटी में यूज करते हैं, सो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहते हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग बेसिकली क्या होती है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ये होती है कि आपके पास एक एनजाइटी का पेशेंट आ गया, आपने उससे ऐसे क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन आपने बनाए होते हैं जो आप उससे पूछ के, एक तो आप उसके फॉल्टी थॉट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, और सेकेंडली आप उसके नई थॉट को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जैसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के एग्जांपल अगर मैं दूं, तो एक क्लाइंट आए थे 2019 में, आई गेस, मेरे पास, और उन्होंने कहीं पे कुछ किसी हाउसिंग सोसाइटी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी थी अबाउट 2-3 crores, और अब उनको ये टेंशन हो रही थी कि अगर ये पैसे डूब गए तो मेरा क्या होगा, और वो इस एंजाइटी में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और बाकी मामला भी डिस्टर्ब थे। तो सोक्रेटिक क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या की कि सबसे पहले उनसे पूछा कि अच्छा किस तरह का इशू है, उन्होंने सारा बताया कि इस तरह मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की और अब मुझे डर है कि पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने उनसे बात पूछी, मैंने कहा कि ठीक है आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी सक्सेसफुल होगी। तो ही सेड के 50% चांसेस तो हैं सक्सेसफुल होगी और 50% एक अनसक्सेसफुल होगी। तो अगला क्वेश्चन डायरेक्टली ये था कि जब आपको वो 50% अनसक्सेसफुल चांसेस का आपको फोकस है और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके मुकाबले में जो 50% चांसेस हैं कि आपको वहां पे प्रॉफिट होगा उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो क्या हुआ कि सोक्रेटिक क्वेश्चन के थ्रू हमने उनके एक नेगेटिव आइडिया को चैलेंज किया और फौरी तौर पे उनको एक पॉजिटिव आइडिया के बारे में हमने उनको सजेशन किया, गाइड किया, डायरेक्ट किया। तो अब जब क्लाइंट ने ये सोचा कि 50% लॉस के चांसेस पे तो मैं पिछले एक हफ्ते से सोच रहा था और तबीयत खराब कर रहा था, बट अगर मैं 50% प्रॉफिट के चांसेस के जो चांसेस है उस पर भी फोकस करूंगा, देयर विल बी हाई चांस कि मेरी एक तो सेहत भी ठीक रहेगी एंड मुझे, आपको भी पता है कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो दो प्रोबेबिलिटी है, इट्स हेड और टेल। तो अगर आप हेड के बारे में सोच रहे हैं जिसका 50% है तो आपको टेल के बारे में भी सोचना चाहिए। एक तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग की ये कॉमन एग्जांपल है जिसमें आप क्वेश्चंस करके क्लाइंट के जो नेगेटिव या फॉल्टी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उनको चैलेंज करते हैं और क्लाइंट को लॉजिकली कन्विंस करते हैं रिगार्डिंग पॉजिटिव थिंग्स। सेकेंड एक इसमें एग्जाम्पल आई थी, वो भी ऐसा था कि कुछ एक क्लाइंट थे जिनको हाइट फोबिया था, उनको शदीद हाइट फोबिया था, और उनको हमने सजेस्ट किया था फ्लडिंग टेक्निक, फ्लडिंग की जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जिसमें डायरेक्ट हम एक्सपोज करवाते हैं, हमने उनको सजेस्ट किया था क्लाइंट को कि आप जो है वो जिप लाइनिंग करें, जैसे दो पहाड़ों के दरमियान एक रस्सी लगी होती है और उस पर वो करके छोड़ते हैं और क्लाइंट एक साइड से दूसरी साइड जाता है। अब वो जिप लाइनिंग करने चले गए समवेयर नियर चिराट, SLC कैंप था, वहां पे जिप लाइनिंग थी। तो वहां से वो मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने बुकिंग करवा दी है, मैंने वो जैकेट पहन लिया, बट अब मसला ये है कि मुझे अब डर लगना शुरू हो गया। अब क्योंकि उनको हमने फ्लडिंग की टेक्निक से करना था, मतलब डायरेक्ट उनके खौफ से एक्सपोज करना था, तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू जब हमने थोड़ी सी उनसे 2-4 मिनट बात की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि इनसे पूछें कि आपसे पहले कितने लोग जो है वो इजी प्लानिंग कर चुके हैं। जब उन्होंने पूछा तो दे सेड कि ऑलमोस्ट 1500 या 1600 पर्सन ऑलरेडी डिड दैट, 1600-1700 लोग पहले कर चुके हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन सोक्रेटिक क्वेश्चन ये था कि अगर उन 1600-1700 में से कोई नहीं गिरा अब तक, तो इसका मतलब ये है कि आप भी नहीं गिरेंगे। अगर एक आध कोई गिरता है स्टिल, अगर 1800 लोगों में एक गिरता है और बाकी 1799 नहीं गिरे,
इसका मतलब है कि सिर्फ 1% से भी कम चांस है कि कुछ इसमें गलत होगा, और हाई चांसेस हैं कि आप आराम से कर लेंगे, और हम हमेशा हाई चांसेस के साथ जाते हैं। एंड ही डिड दैट सिर्फ इस बात